अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इना की दुनिया। और आप सब कैसे हैं? दुआ करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ सब खैरियत से हैं। जैसा कि आपको पता है कि मोहर्रम चल रहे हैं और आज है मोहर्रम की 7 तारीख और मेरी अम्मी के घर पे बनता है माशाल्लाह बहुत ज्यादा शरबत 51 kg का। इस बार मम्मी ने बनाया वैसे माशाल्लाह। अम्मी के माँ हर साल 1-1 किलो बढ़ता ही रहता है और इस बार बन रहा है 51 kg का। तो सोचा आपके लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आपने देख लिया कि मैं कल जाके जो पतीला था वो सब धोकर आ गई थी, दूध भी उबलने हमने रख दिया था। अब बाकी की प्रिपरेशन करेंगे घर जाके जो जो उसमें सामान डालना है आपको दिखाते रहेंगे। वहां पे सब कर रहे हैं, मेरा वेट, बाजी, मैं, भाई, हम सब मिलके वहां पे सब जगह बांटते हैं। वो सब मैं आपको दिखाती रहूंगी क्या क्या करना है आगे। अच्छा, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। और ये क्लिप है एक दिन पहले की, जब मैं पतीला धो रही थी और ये छोटी सी क्लिप मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर ली थी। और यहाँ मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। ये है हमारे घर का शरीफ बच्चा। कहाँ हो अम्मी? देखिए सुबह दूध उबल गया था और ठंडा भी हो गया। अब इसे उठा के हम तीनों रखेंगे ऊपर, फिर इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे। रोबजा है और बादाम है, पिस्ता है, ये है केवड़ा और ये है इलायची पाउडर और ये है नारियल का पाउडर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें सारी चीजें डालना। सबसे पहले हम डाल रहे हैं रोबजा। हमने 6 बोतलें इसमें पूरी डाल दी हैं। अब डालेंगे हम बाजी बताओ क्या डालेंगे? बादाम। अब डालेंगे ना है हमारे बादाम। और अच्छे से इसे चलाते रहेंगे। और वो देखिए ये कहाँ चढ़े हैं, ये हमारे मामा हेलो कर बना रहे हैं। अब डालेगा इसमें पिस्ता। हमें कितनी कितनी क्वांटिटी थी बादाम की और उसकी पिस्ते की? पिस्ता आधा किलो था। पिस्ता आधा किलो था। और ये है इसमें बादाम, इलायची पाउडर 1.5 किलो, ये इलायची पाउडर पूरा डालेगा ये। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है ना। ये नारियल का पाउडर, ये नारियल का पाउडर, ये भी सारा पड़ेगा। एक ही देखिए, हाँ अभी पहले इतना ही डाल के देखते हैं, अगर फिर जरूरत लगेगी तो डालेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब डालेंगे हम इसमें केवड़ा, आधा डालते हैं खुशबू के लिए, ये भी डालना बहुत जरूरी होता है इसमें। तो पापा कै बजे निकले वहां से? नन्हे एक बारी और अब हमने शरबत को ठंडा करने के लिए इसमें ऐड कर दी थी बर्फ और इसे हम अच्छे से ठंडा कर रहे हैं। हमारा शरबत तैयार हो चुका है, अब हम सबको बांटना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घर के बच्चों से शुरू करते हैं। अम्मी ने फातिया दिला दी है और सब पी के बताना कि कैसा बना है। लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर आ जाओ बेटा। और अपने साथ के जितने भी दोस्त होंगे उन सब बच्चों को बुला लेना, ठीक है? बच्चों और सब ये बच्चों को भी बुला लेना। हाँ क्यों नहीं आया? अब जा रहे हैं हम सब जगह देने के लिए और बाजी और मैं जा रहे हैं घर में। तो बच्चे आ रहे हैं पीने के लिए सब, और बाजी और मैं सब जगह अब सबके घरों में दे देकर आ रहे हैं। नहीं पैदल नहीं जाते हैं। जी अल्लाह का शुक्र है।
अस्सलाम वालेकुम आंटी, यहाँ भी सब चश्मा लगाए बैठे हैं। ठीक है। हाँ शायद बस अल्लाह का शुक्र है। हम आगे गली। सो गाइस देखिए, बच्चे काम करके सब थक गए थे, अब हमने मंगाई है बच्चों के लिए चाउमीन और चिली पटेटो। माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, हमारे उधर बहुत अच्छा मिलता है ये फास्ट फूड, तो हम खाते हैं, मिलते हैं आपसे खाने के बाद। सो गाइस जैसा आपने देखा सारा काम अच्छे से निमट गया है, माशाल्लाह से शरबत पूरा बच गया, बचा नहीं बिल्कुल भी, और अभी तक लोग बाग मांगने आ रहे हैं कि हमें दे दो, और लेकिन अब अच्छे से निमट गया है और बच्चों ने भी खा पी लिया है। अब जा रही हूँ मैं घर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।